फाजिल्का की अनाज मंडी में लिफ्टिंग ठेकेदार और स्थानीय ट्रक यूनियन के पैसों के लेन देन को लेकर बने तनाव के कारण जहां पिछले दो दिनों से अनाज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग रुकी हुई थी, जिसको प्रशासन द्वारा आज धारा 145 लगाकर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी तैनात कर शुरू करवाया गया है। वहीं अनाज मंडी में पिछले पांच दिनों से अपनी फसल लेकर बैठे किसानों ने प्रशासन की प्रशंसा की और धन्यवाद करते हुए कहा कि वे ठेकेदारों और ट्रक यूनियन के आपसी विवाद के कारण पिछले कुछ दिनों से परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना ही अब तक उनकी कोई सुनवाई हुई है और ना ही लिफ्टिंग शुरू करवाई गई है। वहीं स्थानीय पुलिस के अधिकारी शेंद्रपाल सिंह ने बताया कि ट्रक यूनियन के पुराने प्रधान ने शहीद भगत सिंह के नाम पर से सोसाइटी बनाई हुई है, जिसके नाम पर उसने टेंडर लिया है, लेकिन अब ट्रक यूनियन के नए प्रधान द्वारा यूनियन का कुछ पैसा बकाए होने के कारण लिफ्टिंग को रोका गया है। फाजिल्का से जाट टीवी न्यूज के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। शरेआम घूम रहे हैं, मैं थानेदार ने क्या डिप्टी साहब ने क्या फड़ो बगा उनका प्यो आया उन्होंने फड़ लो वो आपे आ जाएगा पर ना ऐसे मरा के लड़ पाई है दो जने जाके मेरे मुंडे ने फड़ के बिठा लिया तेरे प्यो लेके आ हैं उन्होंने प्यो ने बिठाने का पुत्र क्यों नहीं आता पर नहीं करते एक तारा 144 लाई पी है ते रखांगे पर मैं इन्होंने अक्खां दी राखी करांगा मैं इन्होंने अक्ख नहीं मारन देंगा कंपनी नूं भगत सिंह वालियां नूं उत्थे ट्रक यूनियन किवें काम लै सकदी उन्हां ते एलीगेशन काफ़ी लगे इस चीज़ का रौला है वो आप इतों के ट्रक जो ट्रक यूनियन है वो कम लेना चाहती सो इस करके उस सिस्टम सरकार के नुमाइंदे हो तो तुम आप ही खुद ही धरने लाओगे तो किवें मसले हल मैं तो धरना चुकाउण आया लाउण थोड़ी ना आया की मसला हल की होया जी अज ट्रक यूनियन वालों फाजिल्का विखे धरना लगा लगाया गया सी मौके पर पहुंचने हालात का जायजा लिया गया एस डी एम साहब के मौजूदा विधायक जेडे रविंद्र घुबाया उन्होंने वालों गलबात की गई है गलबात मगरों इन्हों की कुछ आप सहमति हुई है जिसकी डिटेल साढ़े को नहीं अवेलेबल है पर यह फॉर द टाइम भी धरना जोड़ा है चुके जा रहा है।